हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोसी स्टडी पर। दोस्तों, BNMU यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom में नामांकन के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आज अपडेट हो जाएगा। हम आपको मेन वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, वहां पर आपको बताएंगे कि मेरिट लिस्ट जो है कब तक में जारी होगा, टोटल कितना सीट था, कितना का एडमिशन हुआ है, जिस जिस स्टूडेंट का नॉट सेलेक्शन हुआ है उस स्टूडेंट का इसमें नाम आने की संभावना है या फिर नहीं है, तो कितना स्टूडेंट का लगभग नाम आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी मेरे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी मेरिट लिस्ट अपडेट करें तो आप जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके और एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर सके। तो चलिए पहुंचते हैं अपने मेन वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है जो भी इसका मेन वेबसाइट है। हम यहाँ से मेन वेबसाइट सर्च करके पहुंच गए हैं, ये आपका मेन वेबसाइट है। हम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसका एडमिशन भी क्लोज हो चुका है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है कटअप जो है बहुत जल्द अपलोड होगा, और बी लैब का भी फर्स्ट कटअप जो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सुन लिखा रहा है तो लगभग आज अपलोड हो जाना चाहिए। हम आपको जो है नोटिफाई कर देंगे कि कब तक में ये जो है अपलोड हो रहा है। और दोस्तों, इसमें बता दें कि टोटल कितना सीट पर अप्लाई हुआ था, कितना सीट बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है। व्यू टोटल रजिस्ट्रेशन विथ एंड स्टार्ट एंड क्लोज डेट पर आपको क्लिक करना है, और इस तरह से जो एक पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस के लिए टोटल कैपेसिटी जो था सीट का 10,126, अप्लाई कितना हुआ 7,872। इस तरह से जितना सीट था उतना भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो लगभग सभी स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए। आर्ट्स में देखें 45,578 सीट था, 42,227 अप्लाई हुआ है, तो इसमें भी सभी का नाम आ जाना चाहिए। इस तरह से कॉमर्स में भी है। इसमें देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट 59,000 था एडमिशन के लिए, सीट अप्लाई कितना हुआ है 50,691, तो जितना सीट था उतना भी अप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें ये सभी ऑनर्स सब्जेक्ट हैं, इसके लिए जो है आप देख सकते हैं टोटल सीट यह जो है सब्जेक्ट वाइज दिया है, एडमिशन कितना हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितना है। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए 59,000 टोटल सीट था, अप्लाई 50,691, 20,529 एडमिशन हुआ है, तो लगभग सभी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, क्योंकि आधा स्टूडेंट का भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। इस तरह से PG के लिए भी, PhD के लिए भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।